दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मनीष पाठशाला में। दोस्तों अभी आपने मनीष पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। बिल्कुल दोस्तों NHM की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त भर्ती लेकर आ चुका हूँ। NHM नर्स भर्ती 2021 100 पदों पर यह नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी की गई है। इसमें दोस्तों एक साथ दो नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इसमें आप लोग 30 जून 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, NM की वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी, पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी है, इसके अलावा अदर पोजीशन पर नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो बिल्कुल दोस्तों एक साथ दो नोटिफिकेशन की जानकारी देने वाले हैं। साथ ही आपको इस वीडियो में योग्यता के बारे में, जॉब लोकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कैसे आप लोगों का सिलेक्शन होगा, बिल्कुल दोस्तों आपको जो है A to Z सारी जानकारी मिलने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। अभी दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, नंबर वन नोटिफिकेशन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ से निकाली गई है, जो कि 16 जून 2021 की डेट आप लोग देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन नंबर 3812 दिया गया है और यह दोस्तों जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ से रिलीज की गई है, जो कि NHM के अंतर्गत जो है कुल 75 पदों पर यह नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, जो कि 30/6/2021 को शाम को 5 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों 30 जून शाम को 5 बजे तक जो है स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या रजिस्टर पोस्ट कर सकते हैं, जो कि एड्रेस कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। नीचे ऑफिशियली वेबसाइट दिया गया है, आप लोग इसे चेक कर लेना। और यहाँ पे बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, नीचे आप लोग देखिए तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग रीड कर सकते हैं। और इसके बाद नंबर वन देखिए, नर्सिंग ऑफिसर NHM के अंतर्गत 17 वैकेंसी है, जिसमें BSc नर्सिंग अप्लाई करेंगे, GNM अप्लाई करेंगे, और अगर आप लोग फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस है दोस्तों तो भी अप्लाई करोगे। आगे देखते हैं, सैलरी 16,500 रुपये मिलने वाली है। और इसमें दोस्तों आगे देखिए, नंबर टू स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, जो कि कुल 20 वैकेंसी है और इसमें BSc नर्सिंग और GNM अप्लाई करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और सैलरी 16,500 रुपये मिलने वाली है। नंबर थर्ड स्टाफ नर्स NRC की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है और बिल्कुल यहाँ पे सेम है, सैलरी 16,000 रुपये मिलने वाली है, क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है। आगे देखिए, आयुष मेल की वैकेंसी है, आयुष मेडिकल ऑफिसर मेल के लिए 3 वैकेंसी है, जिसमें BHMS, BAMS, BUMS अप्लाई करेंगे और 25,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। आगे देखिए, मेडिकल ऑफिसर आयुष फीमेल के लिए 4 वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है, इसमें सैलरी 25,000 रुपये मिलने वाली है। आगे देखते हैं, NM के लिए दोस्तों 1 वैकेंसी है, जिसमें अगर आपने 2 साल का NM कोर्स कर रखा है, साथ ही छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे, आपको सैलरी 12,000 रुपये मिलने वाली है। LT RBS की 3 वैकेंसी है, 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी, इसमें DMLT, BMLT, पैथोलॉजी वाले फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है, इसमें भी DMLT, BMLT, पैथोलॉजी वाले फॉर्म को अप्लाई करेंगे, 14,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए BPT वाले अप्लाई करेंगे और 18,000 रुपये फिजियोथेरेपिस्ट को सैलरी दी जाएगी। साथ ही ब्लॉक डाटा मैनेजर की वैकेंसी है और इसमें ग्रेजुएशन वाले फॉर्म को अप्लाई करेंगे या PGDCA, साथ ही BCA वाले भी अप्लाई करेंगे, 31,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। आगे देखिए, अटेंडेंट की यहाँ पे 2 वैकेंसी है, इसमें दोस्तों 12वीं पास वाले अप्लाई करेंगे और 8,800 रुपये सैलरी मिलने वाली है। सपोर्ट स्टाफ की वैकेंसी है, कुल 8 वैकेंसी है, 8वीं पास वाले अप्लाई करेंगे, 10,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। क्लीनर की वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है, 8वीं पास अप्लाई करेंगे, 8,800 रुपये सैलरी दी जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है और 10,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, इसमें 12वीं पास अप्लाई करेंगे। साथ ही किसी भी प्राइवेट या निजी क्षेत्र या जो शासकीय क्षेत्र है उसमें 1 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड में, तो बिल्कुल आप लोग सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करोगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन ब्लड बैंक के लिए देखिए 1 वैकेंसी है, 14,000 रुपये सैलरी मिलेगी, इसमें DMLT, BMLT फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों नीचे देखिए, ब्लड बैंक काउंसलर की वैकेंसी 1 वैकेंसी है और ICTC लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है 2 वैकेंसी है और 13,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है।
तो टोटल यहाँ पे 75 पदों पर यह नोटिफिकेशन CMHO गरियाबंद छत्तीसगढ़ से निकाली गई है, जिसमें दोस्तों आप लोग फॉर्म को जो है 30 जून तक अप्लाई करेंगे। इसमें जो है नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उसको फिल करना है। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी लगने वाला है, जो कि आपको DD बनवाना है और नीचे फॉर्म के साथ अटैच करके आप लोगों को जो है पोस्ट करना है। इसमें 25,000 रुपये से अगर नीचे सैलरी है तो दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस, OBC और महिला के लिए 200 रुपये का फ़ीस, और UR कैटेगरी के लिए 300 रुपये का दोस्तों आवेदन शुल्क है, जो कि आपको DD बनवाना पड़ेगा। और इसमें दोस्तों आयु सीमा की बात करते हैं तो संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है, आप लोग जो हैं इस डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से तैयार कर लो। जब आपका इंटरव्यू होगा, अभी आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, तो इसको जो है अच्छे से आप लोग तैयार कर लो। इसमें दोस्तों आपका एक कौशल परीक्षा होगा और आपका जो है क्वालिफिकेशन प्लस जो अनुभव का अंक है उसके बेस पर जो है मेरिट बनाई जाएगी, और मेरिट के बेस पर ही दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो 15 नंबर का जो है यहाँ पे आप लोगों का, जैसे कि जो नर्सिंग ऑफिसर हैं, जो स्टाफ नर्स हैं, उनका 15 नंबर का कौशल परीक्षा होगा। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लो। और नीचे जो है एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको आप लोगों को अच्छे से फिल करना है। नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है, 16 जून को रिलीज की गई है, और इसमें दोस्तों आप लोगों को फ़ोटो अटैच करके अच्छे से फॉर्म को अप्लाई करिए। और यहाँ पे दूसरा नोटिफिकेशन दोस्तों हम बात करते हैं, तो दूसरा नोटिफिकेशन आप लोग देखिए, तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर छत्तीसगढ़ से निकाली गई है, जो कि 15 जून 2021 की डेट रखी गई है। और इसमें दोस्तों कुल 20 वैकेंसी है, जो कि स्टाफ नर्स की है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें GNM और BSc नर्सिंग अप्लाई करेंगे। ऊपर बोला जा रहा है कि 30 जनवरी 2021 सप्लीमेंट्री ROP में स्टाफ नर्स हेतु 20 पद की अनुमति प्राप्त हुई है। उक्त 20 पदों की पूर्ति विज्ञापन क्रमांक 557 NHM संविदा भर्ती 2020-2021 जसपुर दिनांक 23 जनवरी 2021 अंतर्गत पद क्रमांक 24 स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर में सम्मिलित करते हुए रिक्त पदों की पूर्ति किया जाना है। तो यहाँ पे 20 पदों पर जो है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। तो दोस्तों जसपुर, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही गरियाबंद का जो है ऑफिशियली वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके दोनों नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना और दोनों आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।